जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत स्वागत। भार्गव के नेता नामांकन की आखिरी डेट होने के कारण आज कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान राव के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी भी अपने नामांकन पत्र को दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस एक बड़ी रैली लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक वो कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे तब तक समय काफी कम बचा था, जिसके चलते जब इसे पूरे मामले की जानकारी जीतू पटवारी को लगी तो उन्होंने अपनी रैली को छोड़कर पैदल ही दौड़ लगाना शुरू कर दिया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और क्षेत्र क्रमांक के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान इंदौर के राजवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय तक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई और प्रत्याशी भी जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था वो भी शामिल थे। इस दौरान भव्य तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अन्य भाजपा प्रत्याशियों के साथ एक रथ पर सवार होकर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन इसी दौरान जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि आज नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है तो वो भी रथ को छोड़कर एक गाड़ी में सवार हुए और कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन फॉर्म जमा करने के आखिरी दिन आखिरी लम्हों में दोनों उम्मीदवारों ने दौड़ लगाकर जिला निर्वाचन ऑफिस में अपना अपना फॉर्म जमा किया, जिसके बाद दोनों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली। अब आपको बताएं, सभी नामांकन फॉर्म की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी।